स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ कर्व्स फॉर बीएससी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए और ये एमसीक्यू हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आते रहते हैं। स्टूडेंट्स, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ द एस्ट्रॉयड। तो जो एस्ट्रॉयड होता है वो किस प्रकार की आकृति है? स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रॉयड जो है वो इस तरह की आकृति है, ये इस तरह की आकृति एस्ट्रॉयड कहलाती है। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड है और इस एस्ट्रॉयड में ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारी ए होती है, ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू ए होती है, ये यहाँ तक की वैल्यू ये ए होती है हमारे वाई एक्स से स्टार्ट करके और द इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक। अब मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ, एरिया कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स इसका। ये क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो मैं आपको अब इसका जो एक पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन, चूँकि ऑल द फोर पोर्शंस आर इक्वल इन शेप एंड साइज, तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगा लेंगे, फोर टाइम्स करेंगे क्योंकि फोर इक्वल, देर आर फोर इक्वल पार्ट्स फ्रॉम जीरो टू ए वाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाई डी एक्स लिखेंगे। अब वाई की वैल्यू रखेंगे हम फोर जीरो टू ए, और वाई की वैल्यू हम रख लेंगे कितनी बताइए। इसको जो है स्ट्रॉयड को हम लिखते इस तरीके से हैं, एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब टी और y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो ये भी आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, इसको भी याद रख लेना चाहिए। एस्ट्रॉयड की पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म को आपको याद रख लेना है। तो अभी हम इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, फोर टाइम्स जीरो टू ए और y की वैल्यू रखते हैं इसमें, y की वैल्यू है हमारी यहाँ से ए साइन क्यूब टी और x की वैल्यू है डी एक्स निकालना चाहते हैं हम, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, थ्री ए कोस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और इसकी लिमिट्स को भी चेंज करेंगे तो लिमिट्स आ जाएंगी इसकी फ्रॉम पाई बाई टू टू ज़ीरो। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिमिट जा रही है इसकी, तो लिमिट्स लेंगे हम फ्रॉम पाई बाई टू टू ज़ीरो, फ्रॉम पाई बाई टू टू ज़ीरो हो जाएंगी ये पाई बाई टू टू ज़ीरो और फोर ये थ्री ए स्क्वेयर हो जाएगा और साइन टू द पावर हो जाएंगी फोर टी और कोस स्क्वेयर टी डी टी। स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ठीक है ना, ये ट्वेल्व की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्वेल्व ए स्क्वेयर हो जाएंगे, ट्वेल्व ए स्क्वेयर और वालिस फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, या ये तो सीधा ही लग जाएगा गामा फंक्शन का फॉर्मूला और यह आ जाएगा थ्री इंटू वन डिवाइड में सिक्स इंटू फोर इंटू टू और मल्टीप्लाई पाई बाई टू। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जैसे सिक्स टू जा ट्वेल्व ये कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री पाई बाई एट ए स्क्वेयर बचता है, ये कितना बचा है हमारा थ्री पाई बाई एट और ए स्क्वेयर। तो इस प्रकार देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम ये एस्ट्रॉयड निकालते हैं, एस्ट्रॉयड का एरिया आपको याद भी थोड़ा सा रख लेना चाहिए, एस्ट्रॉयड कैसा होता है, इसकी आकृति, शेप, साइज, इसकी लिमिट्स। तो इस प्रकार से हमने निकाल के दिखाया, थ्री बाई एट पाई ए स्क्वेयर होता है एरिया ऑफ द एस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इफ़ आर इक्वल टू एफ थीटा बी द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर ये दिया हुआ है पोलर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर एफ थीटा इज ए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ थीटा, देन द एरिया ऑफ द
सेक्टर एनक्लोज्ड बाई द कर्व एंड द टू रेडी वैक्टर्स थीटा इक्वल टू थीटा वन एंड थीटा इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद कर लेने वाला फॉर्मूला है और ये होता है हमारा 1/2 r² d थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा वन टू थीटा टू। ये इसका हमें एरिया, अगर रेडी देखिए अगर एक्स एक्स और वाई एक्स हमने बना दिए हैं और ये कोई इस तरह से कोई कर्व है तो इस सेक्टर का एरिया यहाँ से थीटा इक्वल टू थीटा वन और थीटा इक्वल टू थीटा टू, ये थीटा इक्वल टू थीटा वन पॉइंट है और ये थीटा इक्वल टू थीटा टू पॉइंट है। हमने ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को निकालने का तरीका होता है, ये फॉर्मूला है 1/2, अगर अगर पोलर फॉर्म में निकालना है 1/2 r² d थीटा लिमिट्स फ्रॉम थीटा इक्वल टू थीटा वन टू थीटा इक्वल टू थीटा टू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + y² + b² = 1, द ऑर्डिनेट्स x = c, x = d एंड द एक्स एक्सिस। तो देखिए अब मैं इसको भी आपको निकाल के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसमें ये इस एलिप्स के बारे में बात करता है, एलिप्स की जो शेप है वो स्टूडेंट्स हमें याद रख लेनी चाहिए, एलिप्स इस तरीके का होता है। और ये इस एलिप्स के बारे में बात कर रहा है तो इसकी ये लिमिट ए है और ये बी होती है वैसे तो, लेकिन ये किसके बीच में कह रहा है, बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x = c and x = d, यानी कि ये x = c पॉइंट है यहाँ पर और ये x = d पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन छोटी है मैं इसे साफ करूँगा, अभी ध्यान से देखते रहना। एंड द एक्स एक्सिस, तो हमें इसमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, इस एलिप्स के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है वो हमें निकालना है इन ऑर्डिनेट्स के बीच का एरिया। तो ये c = d यानी कि ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं मैं आपको फॉर्मूला लिख के और इसे सोल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आप, a = y dx और लिमिट्स लिखेंगे फ्रॉम c to d जो कि इसने दी हुई थी। और अब y की जो वैल्यू है जो हमने इलिप्स का इसने दी हुई है इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1, यहाँ से हम y स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू हो जाएगी ये b/a और √a² - x². ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू y की जाती है निकल के, और जब हम इसमें रखते हैं y की वैल्यू तो ये है हमारा c to d और y की वैल्यू रखेंगे हम तो ये वैल्यू है b/a √a² - x² dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन b/a और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा। ये तो क्या था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, 1/2 x √a² - x² + 1/2 a² sin inverse x/a और लिमिट्स हैं फ्रॉम c to d। तो जब हम इसकी लोअर और अपर लिमिट्स रखेंगे तो लोअर और अपर लिमिट्स रखने पर देखिए ये यहाँ पर इसी तरीके से, अब सबसे पहले अपर लिमिट हम d रखेंगे तो ये b/a 1/2 √a² - d² आएगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस सी, यहाँ पे d है और यहाँ पे c √a² - c² आएगा। ठीक है, और जब इस दूसरे वाले टर्म में रखेंगे इसमें तो ये a² 1/2 बाहर हमने कॉमन ले लिया है इसमें, sin inverse d/a और -sin inverse c/a। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम जो है इसको सोल्व करके निकाल लेते हैं तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लगातार आप बने रहिए, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन हमने कैसे किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ये फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए ये जो है मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा होता है y² = 4ax पैराबोला। अब जब ये y² = 4ax पैराबोला है
ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमें एरिया निकालना है, तो ये टू टाइम्स कर देंगे हम एरिया निकालने के लिए, टू टाइम्स लिखेंगे, टू टाइम्स एरिया, वाई डी एक्स होता है फॉर्मूला, और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लेंगे, टू टाइम्स वाई की वैल्यू क्या है यहीं से निकालेंगे, वाई स्क्वल टू फोर एक्स, तो ये है टू अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स, और लिमिट्स ये लैटस रेक्टम के, देखो लैटस रेक्टम इज़ ए लाइन विच पासिस थ्रो द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये ना भी लंब होता है लैटस रेक्टम, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स इक्वल टू ए होते हैं, तो इस प्रकार से हम इसकी जो लिमिट्स हैं वो रखेंगे जीरो टू ए, क्योंकि यहाँ से केवल ये इस वाले एरिया की बात कर रहा है जो मैं अब शेड कर रहा हूँ ना, ये टू टाइम्स क्यों किया है, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर भी है नीचे भी, इसलिए टू टाइम्स किया है, ये जो टू हमने किया है ना टू टाइम्स, इसलिए किया है क्योंकि ये ऊपर भी कह रहा है और नीचे भी कह रहा है एक्स अक्ष के, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, तो इंटीग्रेशन बताइए किस प्रकार से निकालते हैं, टू और एक टू और था तो फोर हो गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स, और रूट ए आ गया, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू और अपॉन थ्री बाई टू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू, इसे बाहर रख देंगे, लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम जीरो टू ए, जब लिमिट रखेंगे तो ये ए टू द पावर थ्री बाई टू आ जाएंगी, तो इस प्रकार से ये एरिया आ जाएगा आपका एट, देखिए फोर टू जाए एट बाई थ्री, और ए टू द पावर थ्री बाई टू और ए बाई टू यहाँ पर है ये, तो ए टू द पावर स्क्वेयर ए टू द पावर टू आ जाएगा, इस तरह से एट बाई थ्री ए स्क्वेयर होता है एरिया ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू फोर एक्स व्हेन लैटस रेक्टम इज द ऑर्डिनेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़रूर, और अगर आप हमारे पहले मेहमान हैं तो हमारी वीडियो को तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो और भी आपके पास में पहुँचते रहें। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।